आज हम जानेंगे पानी से नाश्ता बनाना। जी हाँ फ्रेंड्स, हमारे नाश्ते बनेंगे पानी से। इन गर्म नाश्तों को एक बार बनाकर आप पूरे एक महीने तक खा सकते हैं और हो सकते हैं बार बार बनाने के झंझट से फ्री। बाहर रहने वाले बच्चों और जॉब करने वालों के लिए तो आज की रेसिपी बहुत ही काम की है। तो फिर स्टार्ट करते हैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस नाश्तों की रेसिपी। हेलो एवरीवन, नवरत्न रसोई में मैं डॉक्टर लता आपका स्वागत करती हूँ। इस तरह के सुपर टेस्टी और डिलीशियस नाश्ते प्रीमिक्स बनाने के लिए हमने ये एक कटोरी पोहा लिया है। इसको हमने इस तरह की एक कटोरी से नाप कर तैयार कर लिया है। आप कोई भी एक नाप सेट कर लीजिए, इसमें हमें नाप का विशेष ध्यान रखना है। इसको हमने छान कर अच्छे से साफ कर लिया है और अब हम लेंगे इस तरह का एक कपड़ा और इसको इस तरह से इस पर डाल लेंगे। इसको हमें अच्छे से साफ कर लेना है। अब हम लेंगे एक पैन और इसमें डालेंगे एक चम्मच ऑयल। ऑयल हमारा अच्छे से गर्म हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी राई। राई को अच्छे से चटकने देंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा कड़ी पत्ता, थोड़ी सी हरी मिर्च बारीक काटी हुई और ये थोड़ा सा प्याज। ये सूखा प्याज है। ये जैसे मैंने आपके साथ प्याज का मसाला बनाने का वीडियो शेयर किया था उसी तरह से उसमें मैंने प्याज को बारीक काट कर सुखाया था। इसमें मैंने प्याज को थोड़ा लंबा लंबा काट कर सुखा लिया है। इस तरह से मैं बनाकर रखती हूँ क्योंकि इस तरह के नाश्ते बनाने में फिर बहुत हेल्प हो जाती है। वैसे भी कभी हमें घर में जब ज्यादा काम होता है तो भी इस तरह से प्याज बनाकर जब हम रख लेते हैं तो इसमें हमें काफी आराम मिल जाता है। फ्लेम को हमको लो रखना है और ये देखिए प्याज को हल्का ब्राउन होने तक भून लेना है। प्याज हमारी हल्की ब्राउन हो गई है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी मूंगफली के दाने। इनको भी हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। मूंगफली भी हमारी अच्छे से भुन गई है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ी सी हल्दी, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम पोहे जो हमने साफ करके तैयार किए थे। इसके साथ हमें मसाले को अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब इसमें जाएगा स्वाद अनुसार नमक और थोड़ा सा पिसी हुई चीनी का पाउडर। इस तरह से नाश्ते बनाकर अगर हम पहले से रख लेते हैं तो हमारी बहुत हेल्प हो जाती है। कभी कभी होता है कि सुबह हमें बहुत जल्दी होती है, नॉर्मली भी सुबह के टाइम पर हमारे पास ढेर सारा काम होता है और हम घर के सभी लोगों को उनकी पसंद का अलग अलग तरह का नाश्ता बनाकर नहीं दे सकते हैं। तो आप इस तरह से पहले ही एक दो दिन पहले ही इसको इस तरह बनाकर रख सकते हैं और आराम से घर में सभी को उनकी पसंद का नाश्ता दे सकते हैं। ये देखिए पोहे का नाश्ता हमारा बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा धनिया। ये हमने सूखा धनिया यूज हम इसमें कर रहे हैं। ये वही धनिया है जो मैंने आपको स्टोर करने का वीडियो आपके साथ शेयर किया है और बस इसको भी हम अच्छे से इसमें मिक्स कर लेंगे। और ये लीजिए हमारा पोहे का नाश्ता बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। देखने में ये जितना अच्छा लग रहा है फ्रेंड्स, खाने में भी उतना ही ज्यादा टेस्टी होता है। अब इसको निकालकर हम साइड कर देंगे। इस तरह से प्याज और धनिया को अगर आपने पहले से सुखा कर रखा हुआ है तो ये रेसिपी बनाना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। और अगर आपके यहाँ कोई प्याज नहीं खाता है तो आप प्याज को स्किप भी कर सकते हैं। और इसमें हम आधा चम्मच नींबू का रस भी ऐड कर देंगे। इसको अच्छे से मिक्स कर देते हैं। आप नींबू का रस इसको बनाते वक्त पैन में भी डाल सकते हैं। अब हम बनाएंगे सूजी का नाश्ता। इसके लिए हमने वही पैन रख लिया है और इसमें डालेंगे हम एक चम्मच ऑयल और अब इसमें डालेंगे हम राई, थोड़े से कड़ी पत्ते, बारीक कटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक और थोड़ा सा सूखा हुआ प्याज। अब इनको हमें लो फ्लेम पर हल्का सा फ्राई करना है। अब इसमें डालेंगे थोड़े से मूंगफली के दाने, इनको भी हल्का सा फ्राई कर लेंगे। और अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से हरे मटर। आप चाहें तो इसमें गाजर वगैरह जो सब्जी पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। और इसमें डालेंगे हम नमक, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और इसमें बहुत थोड़ा सा हमें पानी डालना है जिससे कि जो हमने इसमें सब्जियां डाली हैं वो अच्छे से पक जाए। और इस तरह से कवर करके इसको करीब हम एक मिनट के लिए पका लेंगे। ये देखिए मटर भी हमारी अच्छे से गल गई है और इसमें पानी पूरी तरह से सूख गया है।
अब इसमें डालेंगे हम सूजी, ये हमने उसी कटोरी से नापकर आधा कटोरी सूजी ली है, और इसको हमें लो फ्लेम पर करीब 3 मिनट के लिए अच्छे से भून लेना है। जो लोग वर्किंग हैं, जिन लोगों को टाइम नहीं मिलता है अपने लिए या खाना बनाने के लिए, वो लोग सैटरडे संडे को इस तरह से नाश्ते बनाकर रख सकते हैं और पूरे हफ्ते भर उसको एंजॉय कर सकते हैं। इस तरह से नाश्ता बनाना होता भी बहुत आसान है और आप इस तरह से बनाकर इनको 1 महीने तक आराम से स्टोर कर सकते हैं। अगर आप इनको फ्रिज में रखते हैं तो 1 महीने तक इनका टेस्ट बिल्कुल एज इट इज रहता है, और अगर आप इनको बाहर रखते हैं तो 8 से 10 दिन तक रखकर खा सकते हैं। ये देखिए सूजी हमारी अच्छे से भुन गई है और ये नाश्ता हमारा बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा चिली फ्लेक्स, आधा चम्मच नींबू का रस, इनको मिक्स करेंगे। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा सूखा हुआ धनिया, इसको भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये लीजिए हमारा एक और नाश्ता बनकर झट से तैयार हो गया है। अब इसको भी हम निकाल लेंगे। अब हम अपना तीसरी तरह का नाश्ता बनाएंगे ब्रेड से। ये हमने 4 ब्रेड के स्लाइस को चौकोर टुकड़ों में काट लिया है और इसको हम इस तरह से पैन में डाल देंगे। फ्लेम ऑन करके गैस को हमने मीडियम रखा है और इस तरह से इसको चलाते हुए हमें ब्रेड को थोड़ा सा रोस्ट करना है। आप चाहें तो माइक्रोवेव में भी इसको रोस्ट कर सकते हैं। ब्रेड हमारे अच्छे से रोस्ट हो गए हैं, अब इनको हम निकाल लेंगे। अब हम इसी पैन में डालेंगे 1 छोटा चम्मच ऑयल, थोड़ी सी राई, राई को चटकने देंगे, थोड़े से करी पत्ते, बारीक काटी हुई हरी मिर्च, थोड़ा सा ग्रेट किया हुआ अदरक, सूखा हुआ प्याज। अगर आप प्याज नहीं भी खाते तो आप इसको हटा सकते हैं। आप किसी भी रेसिपी में चाहे वो सब्जी डाल सकते हैं और चाहे वो सब्जी हटा सकते हैं। जिस तरह से आपके घर में खाना पसंद करते हैं, उन मसालों और उन सब्जियों के साथ आप कोई भी नाश्ता इनमें से बनाकर तैयार कर सकते हैं। थोड़े से मूंगफली के दाने, और इनको हमें हल्का सा रोस्ट कर लेना है। मूंगफली अच्छे से रोस्ट हो गई है, अब इसमें डालेंगे हम 1 बड़ा चम्मच टमाटर की प्यूरी। ये जब टमाटर बहुत सस्ते आते हैं मार्केट में तो मैं इस तरह से प्यूरी बनाकर अपने फ्रिज में स्टोर कर लेती हूँ, और आप इस तरह से प्यूरी बनाकर इसको करीब 2 महीने आराम से यूज कर सकते हैं। आप मार्केट वाली टमाटर प्यूरी भी इसमें यूज कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि किस तरह ये टमाटर प्यूरी बनती है और किस तरह इसको स्टोर किया जाता है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं इसका वीडियो भी आपके लिए जल्दी ही शेयर करूंगी। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, स्वादानुसार नमक, थोड़ा सा गर्म मसाला, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स। अगर चिली फ्लेक्स आपके पास ना हो तो आप लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब इसमें जाएगा ये ब्रेड, इनको हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। ब्रेड के ऊपर सारे मसालों का अच्छे से कोटिंग आ जानी चाहिए। अब इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा सूखा धनिया, और ये लीजिए बहुत जल्दी से हमारा एक और टेस्टी सा नाश्ता बनकर तैयार हो गया है। इसे भी अब हम निकाल लेंगे। अब हम बनाएंगे अपना अगला नाश्ता। अब हम बनाएंगे सिवई का नाश्ता। इसके लिए भी हम 1 चम्मच ऑयल डालेंगे। इसके लिए जो हम सिवई यूज करेंगे वो ये हमने बारीक वाली सिवई ली है, जो हम खीर बनाते हैं ना वो वाली। हमें मोटी वाली जो वेम्बिनो आती है वो यूज नहीं करनी इसमें, यही बारीक वाली सिवई लेनी है। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा जीरा, राई, थोड़े से करी पत्ते, बारीक काटी हुई हरी मिर्च, ग्रेट किया हुआ थोड़ा सा अदरक। ये ध्यान रखिएगा ये सारा जो भी काम हम करेंगे इस तरह मसाले भूनने का, वो हमें लो फ्लेम पर ही करना है। और अब इसमें जाएगा थोड़ा सा सूखा हुआ प्याज, इनको हमें अच्छे से मिक्स कर लेना है। प्याज को हल्का सा गुलाबी भूनना है बस। अब इसमें जाएगा 1 बड़ा चम्मच टमाटर की प्यूरी, इसको भी अच्छे से मिक्स कर देंगे।
और अब इसमें डालेंगे हम थोड़े से हरे मटर। आप चाहें तो इसमें गाजर वगैरह जो सब्जी पसंद करते हो वो डाल सकते हैं। और थोड़ा सा पानी डालकर हमें मटर को अच्छे से पका लेना है। इसको हम ढककर उसी तरह से पकाएंगे जैसे अभी पहले हमने मटर को पकाकर तैयार किया था। ये देखिए मटर भी हमारे अच्छे से पक गए हैं और पानी इसका बिल्कुल अच्छे से सूख गया है। ये ध्यान रखिए पानी हमें बहुत अच्छे से सुखा लेना है, पानी नहीं रहना चाहिए इसमें बिल्कुल भी। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक स्वादानुसार, और अब इसमें हम अपनी सेवई ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इसमें जाएगा थोड़ा सा अमचूर पाउडर। अगर आप नींबू पसंद करते हैं तो आप इसकी जगह नींबू भी यूज कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा गर्म मसाला पाउडर और थोड़ा सा चाट मसाला। अगर आप कोई और मसाला पसंद करते हैं जैसे मैगी मसाला वगैरह बच्चों को ज्यादा अच्छा लगता है तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। और अब इसको हमें बहुत अच्छे से मिक्स कर लेना है। थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे ये लाल मिर्च पाउडर, आप चाहें तो चिली फ्लेक्स भी इसमें डाल सकते हैं, और अब जाएगा इसमें ये सूखा हरा धनिया। और बस ये लीजिए हमारा सिवई का नाश्ता भी बनकर बिल्कुल तैयार हो गया है। अब इसे भी हम निकाल लेंगे इस तरह से। ये लीजिए हमारे चारों तरह के नाश्ते प्रीमिक्स बनकर तैयार हो गए हैं। अब आगे हमें इन्हें किस तरह बनाना है वो भी देख लेते हैं। इन नाश्तों को बनाने के लिए हमने एक बर्तन में पानी गर्म करने रख दिया है। पानी हमारा बहुत अच्छा गर्म हो गया है, हमें बिल्कुल इसी तरह का खौलता हुआ पानी चाहिए इसके लिए। और अब इसमें हमने सबसे पहले हम पोहे का नाश्ता तैयार करेंगे जिसको हमने इस कटोरी से नापकर तैयार किया था। हमने एक कटोरी पोहा लिया था तो हम इसका जस्ट डबल पानी डालेंगे। मेरी ये कटोरी और ये बर्तन बिल्कुल बराबर इन दोनों का नाप है तो इससे अब हम इसका जस्ट डबल पानी इसमें डालेंगे। इस तरह से हमें खोलता हुआ पानी लेना है और इस तरह से अपने पोहे में डाल देना है। इसको हमें डबल डालना है तो हम पूरा दो बार ये पानी इसमें डालेंगे और अब इसको इस तरह से बंद कर देंगे। ये ध्यान रखिएगा इसके लिए हम जो भी बॉक्स यूज करेंगे वो हमें बिल्कुल एयर टाइट चाहिए। अब हम बनाएंगे अपना सूजी का नाश्ता और इसमें हमने आधी कटोरी सूजी दी थी तो हम इसमें एक कटोरी पानी डालेंगे। इस तरह से हम इसमें पानी डालेंगे, पानी हमें बिल्कुल अच्छा गर्म चाहिए और इस तरह इसको भी बंद करके 15 मिनट के लिए रख देंगे। इन नाश्तों को हमें इस तरह से गर्म पानी डाल के कम से कम 15 मिनट के लिए रख देना है और अब हम अपना अगला नाश्ता तैयार करेंगे। जो बाहर हॉस्टल में रहने वाले बच्चे हैं जिनके पास टाइम ही नहीं होता उनके लिए तो ये नाश्ते बहुत ही बढ़िया हैं। इनमें उन्हें कुछ भी नहीं करना है और बस आराम से भी घर के नाश्ते का मजा ले सकते हैं। ब्रेड में हमने 4 ब्रेड के स्लाइस लिए थे, इसमें हमने 1 कप पानी का यूज किया है। इलेक्ट्रॉनिक केटल तो लगभग हम बाहर जो बच्चे रहते हैं उन सबके पास होती है। बस बच्चों को क्या करना है कि केटल में गर्म पानी करना है, बस उनको इतना बता दीजिए कि जो पानी उनको गर्म करना है वो बहुत अच्छा गर्म करना है, जब उसमें से धुआं निकलने लगे इतना गर्म पानी को वो इस तरह के नाश्ते में डालें और अपने लिए नाश्ता तैयार कर लें। अब हम जो हमारा एक नाश्ता और रह गया है वो भी तैयार कर लेते हैं। हम 1 कटोरी सिवई में 1 कटोरी ही पानी डालेंगे। जितनी हमने सिवई ली है हमें उतना ही पानी डालकर इस नाश्ते को तैयार करना है। जब हम कहीं बाहर घूमने जाते हैं तो इस तरह से हम नाश्ता बनाकर ले जा सकते हैं और बहुत इससे हमारी टेंशन कम हो जाती है। बहुत अच्छे से हम घर का बना हुआ नाश्ता बाहर भी कर सकते हैं। अब इसको भी हम कवर करके रख देते हैं 15 मिनट के लिए और 15 मिनट के बाद हम देखेंगे कि हमारे नाश्ते किस तरह बनकर तैयार हुए हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि हमारे नाश्ते का क्या रिजल्ट रहा। ये देखिए बहुत अच्छे से इसके ऊपर सारी स्टीम आ गई है। ये देखिए वाओ कितना टेम्पटिंग दिख रहा है। ये देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ कितना अच्छा हमारा पोहे का नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये देखिए बिल्कुल परफेक्ट। ये देखिए पोहे बिल्कुल अच्छी तरह से सॉफ्ट हो गए हैं, बिल्कुल जैसे हम नॉर्मल बनाकर तैयार करते हैं बिल्कुल उसी तरह से। और ये बहुत परफेक्ट बनते हैं, टेस्ट में भी बहुत अच्छे बनते हैं। उपमा भी देख लेते हैं। ये देखिए कितना अच्छा दिख रहा है, बिल्कुल परफेक्ट बना है। ये देखिएगा बस आपको नाप का ध्यान रखना है कि हमें किस नाश्ते में कितना पानी डालना है और जैसा आप पसंद करते हैं थोड़ा और पतला या गाढ़ा जैसा भी, तो उसके अकॉर्डिंग पानी आप थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। ये देखिएगा, ये देखिए सिवई का नाश्ता भी देख लीजिए आप कितना अच्छा बना है, बिल्कुल परफेक्ट।
एकदम अच्छे से सेवई हमारी सॉफ्ट हो गई है, ये देखिए ब्रेड का नाश्ता भी हमारा तैयार है। इन नाश्तों को आप बिना फ्रिज के 8 दिन और फ्रिज में रखकर 1 महीने आराम से यूज कर सकते हैं। बस केवल ब्रेड का ही नाश्ता ऐसा है जिसे हमें फ्रिज में रखना होगा। तो लीजिए, तैयार हैं हमारे सारे ही नाश्ते। तो देखा आपने, इन नाश्ते प्रीमिक्स से आपकी कितनी सारी समस्याओं का समाधान हो गया। तो अब आप भी ट्राई करें ये रेसिपी, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल से जुड़े रहने के लिए उसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू। प्लीज सब्सक्राइब नवरत्न रसोई ऑन यूट्यूब, लाइक नवरत्न रसोई ऑन फेसबुक, एंड फॉलो नवरत्न रसोई ऑन इंस्टाग्राम एंड ट्विटर।